हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलीनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, और साथ साथ हम डिवीजन एल्गोरिथम और लॉन्ग डिवीजन मैथड को भी समझेंगे। और एट लास्ट रिमाइंडर थ्योरम को समझने के बाद हम NCERT की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले या इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं, जिसमें हम एक पॉलीनोमियल से किसी दूसरी पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉलीनोमियल्स हैं। एक है पी ऑफ एक्स जो कि है 3x4 -4x3 -3x-1, और सेकेंड पॉलीनोमियल है हमारी जी ऑफ एक्स जो कि है x-1। ठीक है, अब हमको पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स से। तो हमको जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो पी ऑफ एक्स हमारा हुआ डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो जी ऑफ एक्स हुआ हमारा डिवाइज़र। तो हमको पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले ही हमें पॉलीनोमियल पुट कर देता हूँ। तो ये पी ऑफ एक्स जो हमारी पॉलीनोमियल है वो है 3x4 -4x3 -3x-1, और हमारी जी ऑफ एक्स जो सेकेंड पॉलीनोमियल है वो है x-1। ठीक, अब हमको करना क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंट है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो हम जब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ कोशेंट मिलता है। ठीक है, अब वो कोशेंट होता है क्या है, हमको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ बनाना है, मतलब हमको 3x4 बनाना है। तो हम इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ x ऑलरेडी हमारे पास है, हमको चाहिए 3, तो यहाँ हमको 3 लेना होगा। साथ साथ हमको x4 बनानी है, यहाँ हमारे पास x है, तो हमको 3x³ का डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमारा 3x³ का जब डिवाइज़र से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लिकेशन होगा 3x⁴, और इस कोशियंट का 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -3x³। ठीक है, तो डिवाइज़र कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हमको इसके साइन चेंज करना होंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिए बनाया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, और देन हमने इस टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यही प्रोसेस को हमको दोहराना होगी जब तक कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो आ जाए या फिर रिमाइंडर की जो पावर है वो हमारे डिवाइज़र की पावर से कम हो जाए। ठीक है, अब बचे हुए टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ -4x³ है, यहाँ पर +3x³ है, तो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास -x³। ओके, और ये बचा हमारे पास -3x-1। अब -x³ -3x-1 अब हमारा अगेन डिविडेंट बन गया है, डिवाइज़र अब भी हमारा x-1 ही है, और जो कोशेंट है अब हमको कुछ ऐसा लेना है कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होने पर हमको माइनस का x³ मिले। ठीक है, हमारे पास x ऑलरेडी है, यहाँ पर हमको टर्म नेगेटिव चाहिए तो पहले हम साइन ले लें नेगेटिव का, और अगर x में हमें जब x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा -x³। तो हमको मिल गया -x³। ठीक है, तो -x² का मल्टीप्लिकेशन हुआ x के साथ तो मिला -x³, और -x² का जब मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा +x². अब सेम हमने फिर साइन चेंज किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव को नेगेटिव, और इस टर्म को कैंसिल कर दिया। अब जो बची हुई टर्म है उनको हमने लिखा तो हमारे पास आया -x² -3x-1। ठीक है, अब हमारा -x² -3x-1 अगेन डिविडेंड बन गया है। अब अगेन हमको इसकी फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइज़र में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर x है, हमको बनाना है -x², तो मैं यहाँ पर -x का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो -x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पे ये हो जाएगा -x², और -x का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके ये हो जाएगा +x। अगेन टर्म चेंज करने के लिए टर्म कैंसिल करने के लिए साइन चेंज किए तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, -3x-x मिलकर हो गया -4x।
और ये माइनस वन एज इट इज़। अभी भी हम देखें जो रिमाइंडर की पावर है, जो डिग्री है, वो हमारे डिवाइजर की डिग्री के इक्वल है, तो अभी डिवीज़न हमको और करना होगा। अब हमको जो हमारा डिविडेंट है वो माइनस फोर एक्स माइनस वन है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर माइनस फोर एक्स और हमारे पास है यहाँ पर कोशेंट में एक्स, तो क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको माइनस फोर एक्स मिल जाए? तो ऑब्वियसली एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो सिर्फ हमको माइनस फोर का ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो माइनस फोर का हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया एक्स के साथ, तो ये हो गया हमारे पास माइनस फोर एक्स, और माइनस फोर का जब वन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ वन, सॉरी प्लस ऑफ फोर वन ज़ा फोर। ठीक है, साइन चेंज किए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन टर्म्स को आपस में कैंसिल किया, माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिल गया फाइव। ठीक है, तो हमने इस लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, और इस डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया है और हमने कोशेंट भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड था वो था पी ऑफ एक्स, राइट, और हमने पी ऑफ एक्स को हमारा डिवाइजर जी ऑफ एक्स से हमने मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया, तो हमको कुछ स्टेप्स बाद यहाँ पर रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो जो स्टेप्स हमने फॉलो की थी उसके साथ साथ हमको यहाँ पर कोशेंट भी मिल गया, जिसे हम बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स हमारा कोशेंट हो गया, पी ऑफ एक्स हमारा डिविडेंट हो गया, जी ऑफ एक्स हमारा डिवाइजर है, और आर हमारा रिमाइंडर, या इसको हम आर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए बी एनी रियल नंबर, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ये पी ऑफ ए क्या होता है। पी ऑफ ए को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पी ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक्स को हमने रिप्लेस किया है ए से, तो इस तरह एक्स को ए से रिप्लेस करने पर हमको गिविन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम में करा क्या है, हमने इतनी सारी स्टेप्स फॉलो की और फाइनली हमने निकाला है रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बहुत ही आसानी से और मिनिमम स्टेप में फाइंड आउट कर सकते थे। वो कैसे, हमने ये पूरी स्टेप्स फॉलो की और हमारा रिमाइंडर आया है यहाँ पर माइनस ऑफ फाइव। ठीक, अब इसी को हम डिवीजन सॉरी हमारे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करते हैं। देखिए, तो हमारे पास सपोज पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो पॉलिनोमियल हमने जो ले ली हमारी पी ऑफ एक्स वो हमारे पास थी एग्जाम्पल के तौर पर थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस ऑफ वन। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो इसकी पावर है वो रियल नंबर है। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स को हमको डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल से, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी एक्स माइनस है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल में लीनियर पॉलिनोमियल ली थी एक्स माइनस ऑफ वन, तो हमने एक्स माइनस वन से इस गिविन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर हमको मिला फाइव। अब देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो वो होगी हमारी वन, और इस एक्स की वैल्यू को मैं डायरेक्ट पी ऑफ एक्स में पुट कर देता हूँ, तो पी ऑफ एक्स में मैंने एक्स को रिप्लेस किया वन से, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन टू द पावर फोर माइनस फोर इंटू वन टू द पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन माइनस ऑफ वन। आगे से सॉल्व किया तो यहाँ से मिला मुझे थ्री, यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ फोर, यहाँ से मिला माइनस ऑफ थ्री और लास्ट माइनस ऑफ वन। अब यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, माइनस फोर और माइनस वन मिलकर आ गया हमारे पास माइनस ऑफ फाइव। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने जो हमारा रिमाइंडर था पी ऑफ वन, या जिसे हम यहाँ डेफिनेशन में बोल रहे हैं पी ऑफ ए, वो मिनिमम स्टेप में फाइंड आउट कर लिया, जबकि यही रिमाइंडर हमने इस डिविजन एल्गोरिथम की मदद से इतनी सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने फाइंड किया था। तो अब रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से एक्चुअल में हमको जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमारा कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो हमको मिलता तो जिस एक्स की वैल्यू ए पर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं ए को हम कहते हमारा ज़ीरो, या हम इसे कहते रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए अब इस एग्जांपल के बाद ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल होगी पी ऑफ एक्स,
जिसकी डिग्री ग्रेटर देन होगी वन या इक्वल टू होगी वन, ठीक है। अब एंड ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर है, मतलब वो एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर इसको मैं लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस लीनियर इक्वेशन से हमको जब डिवाइड करना होगा पी ऑफ एक्स से, तो हमको रिमाइंडर जो मिलेगा वो इक्वल होगा पी ऑफ ए के, जिसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आई थिंक आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हमको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशन, जो कि x प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन 2, एक्स एक्स प्लस पाई, 5 प्लस 2x, ओके। अब हमको जो हमारी गिविन पॉलिनोमियल है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इन इक्वेशन से वन बाय वन हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है एक्स प्लस 1, क्योंकि हमको एक्स प्लस 1 से गिविन पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो जो हमको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिविन है ये हमारे लिए डिविडेंट हो गई, और जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन से हमको इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से, ये हमारे लिए डिवाइजर हो गई। तो हमारे पास हम इनको ऐसा लिख लेते हैं कि जो गिविन पॉलिनोमियल है हमारी पी ऑफ एक्स, एक्स की पॉलिनोमियल गिविन है, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे हम लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ठीक। अब हमसे बोला है इसमें कि हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, बट हमसे ये नहीं कहा गया है कि हम इससे इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें या फिर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करें, ठीक है। हम दोनों ही मैथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो हमको जी ऑफ एक्स यहाँ गिविन है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स प्लस ऑफ 1 जो कि अगेन एक्स का फंक्शन है, तो हम एक्स प्लस 1 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 1, ठीक है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये देखा था कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू गिविन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ 1 या पी ऑफ माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 का क्यूब प्लस ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू माइनस 1 प्लस ऑफ 1, ठीक है। आगे से सॉल्व किया तो माइनस 1 का क्यूब हो गया माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 3 प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो पी ऑफ माइनस 1 की जो वैल्यू आई, या हम जिसे कहें कि रिमाइंडर आया, वो आ गया है 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पर गिविन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इस गिविन पॉलिनोमियल का एक जीरो भी कहलाएगा, या इसे हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। बट अभी हमें रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से किया। अगर इसी को हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता, तो हमको एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1 को डिवाइड करना होता एक्स प्लस ऑफ 1 से, ठीक है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में ये समझा था कि जो हमारा डिविडेंट है उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। और हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को एग्जैक्टली बनाने के लिए कोशेंट की ज़रूरत होती है। तो हम x में क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको एक्स क्यू मिल जाए, तो ऑब्वियसली हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कोशेंट बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जब हमने इन दोनों टर्म से किया, तो ये हो गया हमारा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और एक्स स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, और ये जो हमारा डिविडेंड था उसकी फर्स्ट टर्म इस तरह कैंसिल हो गई। बाकी टर्म को हम मर्ज करके लिखें, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है। बाकी दोनों टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, तो ये आया प्लस 3x प्लस ऑफ 1। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारे लिए यहाँ डिविडेंट बन गया, डिवाइजर अभी हमारे पास x प्लस 1 ही है। अब हमको डिविडेंट का फर्स्ट टर्म बनाना है, जो कि 2x स्क्वायर, जबकि x हमारे पास है, तो हमको x के अंदर 2x का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जिससे 2 ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ, तो ये हो गया हमारा 2x। अब देन साइन चेंज किए, नेगेटिव नेगेटिव, इन टर्म्स को कैंसिल किया, अब बची हुई टर्म्स हमने लिख ली 3x माइनस 2x, बचा x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हमको x को कैंसिल करना है, तो x ऑलरेडी हमारे पास ये है,
हमको सिर्फ x बनाने के लिए यहाँ पर प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो वन का मल्टीप्लिकेशन हुआ x के साथ तो ये हो गया x, वन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा वन का, वो भी हो गया वन। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल होगी, तो इस तरह हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया जीरो। और इस रिमाइंडर को हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया और यहाँ पर हमने लॉन्ग डिविजन मैथड का यूज़ किया, दोनों से ही रिमाइंडर सेम आया है। इज दैट क्लियर? ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर हमारे टू को सॉल्व करते हैं, तो पॉलीनोमियल तो हमारे पास सेम ही रहेगी जो कि है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ऑफ वन। और इस गिवन पॉलीनोमियल को हमको डिवाइड करना है पॉलीनोमियल एक्स माइनस वन अपॉन टू से, ठीक है। तो एक्स माइनस वन अपॉन टू हमारा डिवाइजर कहलाया। अब सेम हम समझ चुके हैं तो मैं अब डायरेक्ट करता हूँ। अब मुझे एक्स क्यूब बनाना है, हमारे पास एक्स है तो हमको यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन बाई टू के साथ हुआ तो ये हुआ माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, इन दोनों ही टर्म को हमने ऐड किया तो हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर है और वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा थ्री प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ऐसा कुछ बचेगा हम बनेगा हमारे पास थ्री प्लस वन अपॉन टू। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन सेवन बाई टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लें इसको सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी की टर्म थ्री एक्स प्लस वन हमने एज इट इज़ लिखी। अब हमको सेवन एक्स सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर बनाना है जबकि हमारे पास एक्स यहाँ ऑलरेडी है। तो पहले तो हम सेवन बाई टू ले लें क्योंकि हमको एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। तो ये आ गया हमारा सेवन बाई टू, एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर हमने एक एक्स ले लिया। अब सेवन बाई टू एक्स का इस एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो के ये हो जाएगा सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर। सेवन बाई टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन बाई टू के साथ भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस सेवन बाई फोर इंटू एक्स, ठीक है। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और इस टर्म को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक। अब इन दोनों ही टर्म को हमने ऐड कर दिया, दोनों पॉजिटिव की, एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास थ्री प्लस सेवन बाई फोर, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन हो गया नाइनटीन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नाइनटीन बाई फोर एक्स प्लस ऑफ वन, ठीक है। अब हमको नाइनटीन बाई फोर एक्स बनाना है जबकि एक्स हमारे पास है तो हम इसके अंदर नाइनटीन बाई फोर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 19 बाई फोर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स के अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 19 बाई फोर एक्स, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब माइनस वन बाई टू के साथ होगा तो ये होगा हमारा माइनस 19 बाई फोर टू ज़ा एट, ठीक है। साइन चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई और वन प्लस 19 बाई एट हो जाएगा। तो एट वन ज़ा एट, एट प्लस 19 27, 27 बाई एट हमारा रिमाइंडर आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये लॉन्ग डिविजन मेथड से किया, अगर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमको करना होता तो एक्स को हम सिंपल रिप्लेस कर देंगे वन बाई टू से, ठीक है। वो भी करके देख लेते हैं, इससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने जो हमारी पी ऑफ एक्स है उसके अंदर एक्स को रिप्लेस करते हैं वन बाई टू से, तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ वन बाई टू। और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी मैं एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो वन बाई टू का होल क्यूब प्लस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, तो वन बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस ऑफ वन, ओके। अब इसको सॉल्व किया आगे, वन बाई टू का होल क्यूब करना है तो टू का क्यूब हो जाएगा एट, तो ये हो गया वन अपॉन एट प्लस ऑफ थ्री अपॉन टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस ऑफ वन, ठीक है। अब हमको एलसीएम अगर इसका लेना है तो इसके डिनोमिनेटर को, सभी के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो हमारे पास वन बाई एट तो ऑलरेडी है तो इसको हम वन बाई एट ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टर्म के अंदर टू का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली कर देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, नीचे हो गया फोर टू ज़ा एट, ठीक है। अब थर्ड टर्म में भी हमको यहाँ एट बनाना है तो हम यहाँ पे फोर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर देते हैं तो थ्री फोर ज़ा हो गया हमारा ट्वेल्व और टू टू फोर ज़ा हो गया हमारा एट, ठीक है। प्लस ऑफ वन के अंदर भी हम एट का मल्टीप्लिकेशन एट का डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एट बाई एट। तो इस तरह सभी का डिनोमिनेटर सेम बन गया है तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया एट और न्यूमरेटर को हमको सिंपल आपस में ऐड कर देना है तो वन प्लस सिक्स हो गया सेवन,
सेवन प्लस ट्वेल्व हो गया हमारा 19, 19 प्लस 8 हो गया 27। तो इस तरह देखिए हमारा रिमाइंडर फिर अगेन सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, और यहाँ हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हमने हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। इज इट क्लियर? अभी से आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के केस नंबर थर्ड को हम सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमको गिवन पॉलीनोमियल को एक्स से डिवाइड करना है, और इसे भी हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करें। तो हमको गिवन है पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1, ठीक है। और हमको डिवाइड करना है x से, इसका मतलब ये जो हमको डिवाइज़र है वो है g ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। इसे डिवाइड करना है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो से। अब x की वैल्यू, क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमको ज़ीरो इसमें पुट करना होगा। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया ज़ीरो से, तो ये हो गया p ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो प्लस 3x, x को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो से, तो ये टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो, तो बचा हमारे पास 1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है p ऑफ ज़ीरो पर, वो आ गया 1। तो यहाँ पर इस केस नंबर थर्ड का आंसर हुआ 1, ठीक है। अब इसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ठीक है, जो कि हमारा डिविडेंड है, और इस डिविडेंड को हमको डिवाइड करना है x से, जो कि हमारा डिवाइज़र है। तो हमको डिविडेंड की फर्स्ट हमको डिवाइड करना है इस डिवाइज़र से, तो हमको एक्स क्यूब बनाना है। हमको x यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ओके। आगे कोई टर्म नहीं है, तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा। साइन चेंज किए, पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, जिससे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ। तो बचे हुए टर्म्स हमारे पास आ गए 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हमको 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, तो हमको 3x स्क्वायर बनाना है। तो हम x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x का, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी है, x इंटू x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो गया 3x स्क्वायर, ठीक। साइन चेंज किए, ये टर्म भी कैंसिल। अब बचा हमारे पास 3x प्लस ऑफ 1, अब हमको 3x बनाना है, ठीक है। 3x बनाने के लिए x हमारे पास ऑलरेडी है, तो सिर्फ हम यहाँ पर 3 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इंटू x हो गया 3x, साइन चेंज किए, 3x से 3x कैंसिल, तो अब रिमाइंडर हमारे पास बचा 1, जो कि हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सेम आंसर आया, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने उसका आंसर निकाल लिया था, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने केस नंबर फोर्थ को भी सॉल्व करते हैं। केस नंबर फोर्थ में हमको जो गिवन पॉलीनोमियल है हमारी, उसको डिवाइड करना है x प्लस पाई से, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुटअप कर दूँ। अब क्योंकि ये हमको डिवाइजर गिवन है, मतलब g ऑफ x गिवन है, जो कि x प्लस ऑफ पाई, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो से। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पाई। अब माइनस पाई हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो p ऑफ पाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 1, ठीक। आगे से हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर तो पावर ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ पाई का क्यूब, और ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई प्लस ऑफ 1, ठीक। अब आगे इसके हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास है उसी को हम, जो पाई की इक्वेशन है, इसी को हम रिमाइंडर कहेंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, तो हमको एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस ऑफ पाई से, ठीक। तो x प्लस पाई हमारा डिवाइज़र हो गया, ओके। अब हमको इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास यहाँ x ऑलरेडी है, हमको एक्स क्यूब बनाना है, तो इसके अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पाई के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, ओके। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, ठीक है। और इन दोनों ही टर्म से हम पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉमन लेते हुए लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ऑफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर, बचा हुआ टर्म हमारा 3x प्लस ऑफ 1। अब हमारा डिविडेंट हो गया 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1। तो हमको इस डिवाइड, जो हमारा डिविडेंट है
उसकी फर्स्ट टर्म हमको बनानी है, जबकि हमारे पास एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, तो एक्स तो हमारे पास है, साथ साथ हमको कांस्टेंट में प्लस 3 माइनस पाई भी लेना होगा इनटू एक्स, तो एक्स से एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 पाई इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे ही टर्म का पाई के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स, ठीक। साइन चेंज किए, दोनों ही पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो उससे हुआ ये कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, अब बचे हुए टर्म एज इट इज़ लिख लें हम। अब यहाँ पर यहाँ से एक्स और इधर से भी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 इंटू इस पाई का मैं अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पर ये 1 साथ में चल ही रहा है, प्लस ऑफ 1। अब हमारा जो डिविडेंट है वो कुछ इस तरह हो गया, तो इसका हमको फर्स्ट टर्म बनाना है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको सिर्फ इतने कांस्टेंट का ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3 प्लस 3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ एक्स के साथ, तो ये हो गया 3 प्लस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ओके। और इस पूरे ही टर्म का इस पाई के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस ऑफ पाई इंटू 3 प्लस 3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ओके। साइन चेंज किया, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, हम पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिख लेते हैं, तो पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये होगा हमारे हमारे पास माइनस 3 पाई, ठीक। इस माइनस पाई का प्लस 3 पाई से मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई का माइनस पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा प्लस पाई क्यूब, ठीक। और ये 1 हमारा अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों रिमाइंडर को टैली करें तो दोनों यहाँ पर सेम आ गए हैं, ठीक है। बस इसको अरेंज करना है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रिमाइंडर निकाला है पी ऑफ एक्स प्लस पाई का, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो पहले बड़े टर्म लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3 पाई प्लस ऑफ 1, ओके। अब देखिए दोनों से ही हमारा आंसर सेम आया, इज दैट क्लियर। तो हमारा रिमाइंडर ये रहा, ओके। इसी तरह हमारे केस नंबर 5th को भी हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा केस नंबर 4th था, ठीक। ये हमारा केस नंबर 3rd था, और केस नंबर 5th भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब केस नंबर 5th में हमको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से, ठीक है। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, तो हमको जो हमारा डिवाइज़र है जी ऑफ एक्स वो गिवन है 5 प्लस 2x, ठीक है। इसको हम इक्वेट करें 0 से, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5/2, ठीक। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट ही गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, तो हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको वैल्यू मिलेगी पी ऑफ एक्स की वैल्यू -5/2 पर, तो पी ऑफ -5/2 इज इक्वल टू, हमने एक्स को रिप्लेस किया -5/2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 का होल क्यूब प्लस ऑफ 3 × -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस ऑफ 1, ठीक है। आगे से सॉल्व किया, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, जो कि नेगेटिव होगा, 125/2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। पावर ऑड होने के कारण ये नेगेटिव साइन लिया, अब यहाँ पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 × 3 हो गया हमारा 75/2 का स्क्वायर 4, ओके। आगे यहाँ पे -5 × 3 किया तो -5 × 3 हो गया 15/2 प्लस ऑफ 1, ठीक। हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर 8 एलसीएम आ गया हमारा, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ हुआ, तो 8 से कम्प्लीट 8 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास -125 प्लस ऑफ 8 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ होगा, तो 8 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो बचेगा 2, 4 × 2 = 8, तो बचेगा 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 75 में किया, तो ये हो गया हमारा 75 × 2 = 150, ठीक है। माइनस ऑफ 8 को 2 4 टाइम्स कैंसिल किया करेगा, तो 15 में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस ऑफ 15 4 हो गया हमारा 60 प्लस ऑफ 8 × 1 = 8,
ओके अब इसको हम ऐड कर देते हैं नंबर्स को, तो 125 नेगेटिव का है, 60 नेगेटिव का है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 125 माइनस 60, तो ये हो गया 1 माइनस 185, ओके, और 150 प्लस 8, ये होगा हमारा पॉजिटिव का, तो 158 अपॉन 8, ठीक। अब यहाँ पर 185 में से अगर हम 158 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 27, जो कि होगा नेगेटिव का, तो 27 अपॉन 8, ठीक है। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर आ गया पी ऑफ माइनस 5/2, जो कि है माइनस 27 अपॉन 8। अब इसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ डिविडेंट है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में डिविडेंट है हमारा एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस ऑफ 1, और यहाँ हमारे पास डिवाइज़र गिवन है जो कि है 5 प्लस 2x, तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 2x प्लस 5, ठीक है, क्योंकि x की पावर को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म बनाना है x³, जबकि हमको यहाँ गिवन है 2x, ठीक है, तो हमको 2 नहीं चाहिए, सिर्फ x³ चाहिए, तो मेरे को तो पहले x के अंदर एक x² का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, साथ साथ 1/2 का भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x * x² मिलकर हो जाएगा x³, तो यहाँ बचा हमारे पास x³, 1/2 x² का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 5/2 इंटू x², साइन चेंज किया, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, 3x² माइनस 5/2 x², इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 3x² कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 to the 6 माइनस 5, दैट इज़ 1/2 इंटू x², ठीक। बाकी के टर्म ने एज इट इज लिख लेते हैं, जो कि ये 3x प्लस ऑफ 1। अब हमको 1/2 x² बनाना है, यहाँ पर हमारे पास x है, तो एक x चाहिए मुझे जो कि पॉजिटिव का, साथ साथ इस 2 को कैंसिल करके डिनोमेटर में हमें 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको x² / 4 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पे होगा ये कि 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो बचेगा डिनोमेटर में 2 और x से x का मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा x², तो ये हो गया हमारे पास 1/2 x² और x/4 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ हुई है, तो ये हो गया 5/4 इंटू x, ठीक। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचा हमारे पास 3 माइनस 5/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 3 12, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, तो यहाँ बचा हमारे पास 7/4 इंटू x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 7/4 चाहिए इंटू x, तो x तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, हमको 7/4 बनाने के लिए इसमें हमको 7/8 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, तो 7 एज इट इज आ जाएगा और 8 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया हमारे पास 7/4 इंटू x प्लस ऑफ 7/8 का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी होगा, तो 5 7 हो गया 35 अपॉन 8, ठीक। साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गई टर्म, तो बचा हमारे पास सिर्फ 1 माइनस 35/8, ओके, हम रिमाइंडर सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 35 अपॉन 8 या 35 माइनस 8 जो कि हो जाएगा माइनस 27 अपॉन 8, ठीक है। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा रिमाइंडर सेम आया, इसी रिमाइंडर को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए अभी से आप। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ए x² प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ ए x माइनस ए, राइट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करते हैं और देन रिमाइंडर थ्योरम से इसके आंसर को हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लॉन्ग डिविजन मेथड का अप्लाई करें, तो हमको डिवाइड करना है x³ माइनस ए x² प्लस 6x माइनस ए को, तो ये हमारा हो गया डिविडेंट, तो डिविडेंट है हमारा x³ माइनस ए x² प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ ए, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस ऑफ ए से, ठीक है। अब क्योंकि हमें डिविडेंड का जो हमारा फर्स्ट टर्म है x³, इसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है,
ठीक है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हमको कोशियन की ज़रूरत होगी जो कि आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जब एक्स के साथ होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। अच्छा, ये टर्म भी आपस में आप कैंसिल, तो बचा हमारे पास सिर्फ सिक्स एक्स माइनस ऑफ ए। अब हमको सिक्स एक्स बनाना है, तो यहाँ पर सिंपल हमको सिर्फ एक्स का ही मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो सिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास सिक्स एक्स और माइनस ऑफ सिक्स ए। ओके, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, तो सिक्स एक्स माइनस ए जो कि हो जाएगा फाइव ए। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर या जिसे हम बोलें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स माइनस ए हमारी आ गई है 5a। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा डिवाइज़र था g ऑफ x, वो गिवन है हमको यहाँ पर x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि है a। अब a की वैल्यू हम डायरेक्ट इस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ a में p ऑफ x में पुट कर देते हैं, तो p ऑफ x है हमारे पास एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ऑफ ए। ठीक, अब हम x को रिप्लेस कर दें a से, तो हमने रिप्लेस किया x को a से, तो ये हो जाएगा ए क्यू राइट माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ सिक्स इंटू ए माइनस ऑफ a। तो यहाँ पर ये हो गया ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर मिलकर हो गया माइनस का ए क्यू प्लस का सिक्स ए माइनस ऑफ a। ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल, सिक्स a माइनस a हो जाएगा फाइव ऑफ a जो कि हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर है। ठीक, इन दोनों ही मेथड से ये रिमाइंडर हमारा सेम आया। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं जो कि है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, है ना। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि 7 प्लस 3x गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो इसके लिए हमको 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड करना होगा 7 प्लस 3x से, और अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो इस तब 7 प्लस 3x इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको दोनों ही मैथड से सॉल्व करते हैं, तो पहले लॉन्ग डिविजन मैथड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिविजन मैथड में जो हमारा डिविडेंट है वो हो गया 3x क्यूब, क्योंकि हमको 3x क्यूब प्लस 7x में चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो इसलिए 7 प्लस 3x हमारा डिवाइज़र कहलाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंट है हमारा 3x क्यूब प्लस ऑफ 7x, ठीक है, और हमारा डिवाइज़र है 7 प्लस 3x, जिसे हम अरेंज करके 3x प्लस 7 लिख सकते हैं। ओके, अब हमको जो हमारा डिविडेंट है 3x क्यूब और जो हमारा डिवाइजर है 3x, तो हमको 3x क्यूब को डिवाइड करना होगा 3x से, जिसके लिए हमको कोशेंट लगेगा। तो हमको कोशेंट में यहाँ पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बनानी है जो कि 3x क्यूब, हमको 3x गिवन है, तो सिंपल हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा तो ये होगा हमारा 7x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर साइन चेंज किया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास माइनस 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x। ठीक, अब हमको माइनस 7x स्क्वायर बनाना है जबकि हमारे पास है 3x, तो ये टर्म नेगेटिव की है तो यहाँ पर हमको माइनस का साइन लेना होगा, साथ साथ हमको इसके जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट उसको माइनस 7 बनाना है हमको, जबकि यहाँ पर 3 गिवन है, तो 3 और 7 आपस में ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमको इस 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ x ऑलरेडी है तो यहाँ पर सिंपल हम x लेंगे। अब यहाँ पर माइनस 7 बाय 3 का जब मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो हमारा माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 7 बाय 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 7 के साथ होगा तो ये हो गया हमारा माइनस 7 ज़ा 49 बाय 3 इंटू एक्स। ठीक, साइन चेंज किए, दोनों ही टर्म नेगेटिव किए तो पॉजिटिव हो जाएंगी, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा 7x प्लस 49 बाय 3 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 7
प्लस 49/3, इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास 7 प्लस 49/3, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ हुआ तो 7 3 21 प्लस 49/3। ओके, अब यहाँ पर इसको हम ऐड कर देते हैं, 49 प्लस 21, तो 9 प्लस 1 हो गया ये हमारा 0, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 इंटू एक्स। ठीक, अब हमको 70/3 इंटू एक्स को कैंसिल करना है, जबकि हमारे पास है यहाँ पर 3x। 70 बनाने के लिए हमको यह मल्टीप्लिकेशन करना होगा प्लस ऑफ एक्स, तो हमारे पास है 70/9 का। ठीक, तो यहाँ पर 70 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 9, तो बचेगा हमारे पास यहाँ 3, तो ये हो गया 70/9 इंटू 3, तो 3 3 9, तो बचा हमारे पास 70/3 इंटू एक्स। ठीक है, और इस 70/9 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ भी होगा, तो ये हो गया हमारे पास 700 7 7 49 अपॉन 9। ठीक, अब यहाँ साइन चेंज किए, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो बचा हमारे पास -490/9, जो कि हमारा रिमाइंडर है। ठीक, अब ये हमारा रिमाइंडर सही है या नहीं, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पर हमको जो डिवाइज़र था हमारा जी ऑफ एक्स, वो गिवेन है 7 प्लस 3x, इसको इक्वेट करें अगर हम 0 से, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यू 7/3 हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो गिवन पॉलिनोमियल हमारी p ऑफ एक्स, जो कि है 3x³ + 7x। अब यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया -7/3 से, तो p ऑफ -7/3 होगा हमारा 3 × -7/3 का होल क्यू प्लस ऑफ 7 × -7/3। ठीक है, इसे सॉल्व किया आगे, 3 × ठीक टर्म, क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव क्या आएगी, 7 7 49 49 7 हो जाएगा हमारा 343, तो ये इंटू 343 अपॉन 3 का क्यू होगा 3 3 9 3 27। ओके, माइनस ऑफ 7 7 49 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पर हम 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 9 हो गया 27, तो बचा हमारे पास -343 अपॉन 3 9 27 -49/3। ओके, अब आगे इन दोनों टर्म का एलसीएम आ गया हमारे पास 9। 9 का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट टर्म के साथ किया, तो 9 से 9 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 343 माइनस ऑफ 9 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, तो 3 3 9 और 49 3 ठीक है, 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हमको सॉल्व करना है 49 × 3, तो 9 3 27 27 का 2 7 कैरी ओवर 2, 4 3 12 12 + 2 14, तो ये हो गया हमारे पास -147। राइट, अब इन दोनों नंबर को हमने आपस में ऐड कर दें, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, 7 + 3 हो गया 10, कैरी ओवर 1, 4 + 4 8 + 1 हो गया 9, और 3 + 1 हो गया हमारा 4 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने सॉल्व किया, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आया है 7 - 7/3 पर -490/9, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इज दैट क्लियर, अब इसे आप नोट कर लीजिए।